क्वेश्चन नंबर 5 में है, यूज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर फोर्स एंड एरिया टू एक्सप्लेन व्हाई इट इज हार्डर टू कट समथिंग विद अ ब्लंट नाइफ देन विद अ शार्प नाइफ. स्टक हो गई भी याद है. आपके पास नहीं है प्रिंट आउट्स? चले वेट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं. अच्छा ये बताएं प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? डेफिनेशन ऑफ प्रेशर क्या? फोर्स अप्लाइड. फोर्स अप्लाइड नहीं है. देखिए ये जो फोर्स है ना इसका एक पर्टिकुलर नेम है, अगर हम इसको उस नेम के साथ नहीं लिखेंगे तो डेफिनेशन गलत हो जाएगा. आप पहले डेफिनेशन लिखें. प्रेशर इज नॉर्मल फोर्स अप्लाइड, नॉर्मल फोर्स अप्लाइड डिवाइडेड बाय the area. So force is normal force applied divided by the area. अच्छा अब ये बताएं normal force क्या होती है? Normal force. Normal का मैंने आपको बताया था ना, normal किसे कहते हैं? हाँ, यानी ये वो line है which is perpendicular to the surface. अगर ये सरफेस है ना जिसका प्रेशर मेजर करना चाह रहे हैं, आप ये देखेंगे कि इस सरफेस के ऊपर नॉर्मल यानी फोर्स बीइंग अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द सरफेस कितनी है वो आपको मेजर करना होगा और साथ साथ आपको एरिया चाहिए होगा. तो जब आप इस फोर्स को एरिया से डिवाइड करेंगे तो आपको प्रेशर अप्लाइड पता चल जाएगा. ठीक है, अभी कह रहे हैं कि यूज द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स प्रेशर एंड एरिया. अगर हम इस को देखें तो हमें दो बातें पता चल रही है. नंबर वन प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड नंबर टू प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. व्हाई इट इज हार्डर टू कट समथिंग विद अ ब्लंट नाइफ एंड विद अ देन विद अ शार्प नाइफ. ब्लंट नाइफ में क्या चीज चेंज हो रही है? एरिया. ब्लंट नाइफ का एरिया ज्यादा होता है. तो अब अगर आप दो नाइफ लेते हैं और दोनों पे सेम फोर्स अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 10 न्यूटन की, 10 न्यूटन की फोर्स ब्लंट नाइफ पे ज्यादा प्रेशर उससे आपको वो जनरेट नहीं कर सकेगा बिकॉज ऑफ हैविंग लार्जर एरिया, तो कटिंग डिफिकल्ट होगी. लेकिन वही फोर्स शार्प नाइफ के ऊपर, क्योंकि शार्प नाइफ का एरिया कम है तो वो ज्यादा प्रेशर की वैल्यू आपको देगा तो कटिंग ईजी होगी. ठीक है, अब आपने इसका आंसर लिखना, 2 मार्क्स है. बता दिया मैंने, आप लिखें डिक्टेट ही किया, सब आप लिखें जी, इसमें लग गया लिखें. उसकी सरफेस को देख के बताते हैं. शार्प के अंदर एरिया कम हो जाता है, ब्लंट के अंदर एरिया ज्यादा होता है. प्रेशर एरिया से क्या है? जब एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर, तो कटिंग. तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है? एक चीज के बढ़ने से दूसरी कम होगी ना. अब वो क्यों होगी? नहीं, आपने प्रेशर को एरिया से रिलेट करके बताना, फोर्स की तो कोई बात ही नहीं होगी. पहली बात ये देखने कि सिंस प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. देखा वो पानी छोड़ के फौरन जी लिखा है सही. तो आंसर लिखा गया, आंसर है कि द एरिया ऑन द ब्लंट नाइफ इज लार्जर, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, द प्रेशर इज लेसर. बिल्कुल सही. सेन प्रेशर इज. चलो पार्ट बी पे चलते हैं. मैं नहीं करूंगा, खुद लिखना है आपको.
आप जरा लाउडली रीड करेंगे या मैं करूं? आप करें। इसमें जो पहली आपने डेफिनेशन लिखी है ना, वो इन दो मार्क्स में रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि आपने, लेकिन आप उसमें कुछ मार्क कर रहे हैं, अदर देन आंसर है। इसमें लिखा है कि सिंस प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया ऑफ ब्लंट नाइफ इज लार्जर, दस प्रेशर विल बी लेस ऑन द स्टील। तो हम यूं भी लिख सकते हैं आगे कि कटिंग विल बी डिफिकल्ट। ओके, नेक्स्ट पार्ट है, एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट्स ऑन गैस प्रेशर्स वर मेड बाय रॉबर्ट बॉयल। ही शोड दैट P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। क्या मतलब होता है इसका? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। क्या मतलब है इसका? जी, क्या मतलब होता है इसका? हाँ, देखें, अगर जहां तक इक्वेशन का ताल्लुक है ना, तो उसमें हम दो प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, P1 V1 प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट है। वन किसको शो कर रहा है? इनिशियल को। और टू किसको शो कर रहा है? अब मैं आपको जनरली एक बात बता रहा हूँ, आपने मैथ्स में पढ़ी है कि फर्ज करें अगर दो चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ना, तो आपको इस तरह का रिलेशन मिलता है उनमें, x1 / y1 will be equal to x2 / y2। ये कब मिलेगा? जब दो क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जब दो क्वांटिटीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, तो फिर आपको इस तरह का रिलेशन मिलता है, x1 / y1 = x2 / y2। तो ये इक्वेशन देख के भी आपको ये पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और हमारी नॉर्मल ऑब्जर्वेशन भी यही है कि व्हेन वी इंक्रीज प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ द गैस डिक्रीजेस, एंड व्हेन वी डिक्रीज प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीजेस। ओके, अब कह रहे हैं कि वेयर P1 and P2 आर इनिशियल एंड फाइनल प्रेशर्स ऑफ द गैस, एंड V1 and V2 आर द इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम्स ऑफ द गैस, स्टेट टू क्वांटिटीज दैट मस्ट रिमेन कॉन्स्टेंट व्हेन दिस इक्वेशन इज यूज्ड। प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन अगर आपने स्टडी करना है, तो उसके अलावा जो बाकी चीजें हैं ना, उनको आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। फोर्स, देखें, एक चीज जो आपको कांस्टेंट रखनी पड़ेगी वो क्या है, क्योंकि टेम्परेचर भी वॉल्यूम को अफेक्ट करता है। कैसे? एग्जैक्टली, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हर चीज एक्सपेंड होती है, गैस भी एक्सपेंड होगी, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो गैस कॉन्ट्रैक्ट होगी। अब अगर आप प्रेशर का वॉल्यूम के ऊपर इफेक्ट चेक कर रहे हैं, और साथ साथ टेम्परेचर भी वेरी कर रहा है, तो हो सकता है कि वॉल्यूम की चेंजिंग प्योरली प्रेशर की वजह से ना हो, किसकी वजह से हो, इसलिए टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहना चाहिए। वो तो है, लेकिन हम उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर भी अप्लाई कर रहे होते हैं ताकि हम इस रिलेशनशिप को स्टडी करें, ठीक है? अच्छा, दूसरी बात, आपने क्वांटिटी ऑफ द गैस भी कांस्टेंट रखनी है, बिकॉज इफ यू चेंज द मास ऑफ द गैस, लार्जर quantity or mass would require, तो वो automatically उसका volume भी कम होगा। लिखने mass of the gas लिखते हैं। Okay, दो marks हो गए। Figure 5.1
ओके फिगर फाइव अब देखें, ये जो फिगर आपको नजर आ रही है आप क्या क्या देख सकते हैं इसके अंदर? गैस से लिक्विड है नहीं? देखें अगर ये लिक्विड होता ना तो ये ऑलमोस्ट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते। फर्स्ट इनिशियली आपका वॉल्यूम ज्यादा है, बाद में आपका वॉल्यूम क्या हो गया? हाफ हो गया। और क्या चीज नोट कर सकते हैं आप? अच्छा ये बताएं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, पार्टिकल्स कितने हैं? सेम है, तो इसका मतलब है क्वांटिटी ऑफ गैस को चेंज। आपने क्या किया कि वॉल्यूम ऑफ द गैस इज हाफ, पहले जो वॉल्यूम था उसके हाफ वॉल्यूम में आपने मॉलिक्यूल्स को अब रख दिया है, तो अब जो फिजिकल चेंज आ रहा है ना वो भी आपके लिए विजिबल है। अब ये कह रहे हैं द इक्वेशन सजेस्ट, जो ऊपर इक्वेशन आई थी कि व्हेन द वॉल्यूम ऑफ अ गैस हाफ्स द प्रेशर, अब ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। देखें आपके पास प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, अगर आप किसी एक क्वांटिटी को टू से डिवाइड करेंगे ताकि वो हाफ हो जाए तो उसकी जो ऑपोजिट क्वांटिटी होगी इट विल गेट मल्टीप्लाइड बाय टू, यानी वो डबल हो जाएगी। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में सेम इफेक्ट आता है दोनों तरफ, डबल करने से दूसरा भी डबल, हाफ करने से दूसरा भी हाफ, इनवर्स में ऑपोजिट होता है, एक को हाफ करेंगे तो दूसरा डबल हो जाएगा और पहले को डबल करेंगे तो दूसरा हाफ हो जाएगा। तो अभी कह रहे हैं यूजिंग आइडियाज अबाउट मॉलिक्यूल्स एक्सप्लेन व्हाई दिस हैपेंस, वॉल्यूम हाफ करने से व्हाई द प्रेशर डबल्स, और फिर आपने इसको मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। कैसे एक्सप्रेस करेंगे? गैस का प्रेशर किस वजह से होता है? कंप्रेस तो हो गया, गैस का प्रेशर किस वजह से? डेंसिटी की वजह से। क्यों ऐसा क्या हो रहा है? मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं? मॉलिक्यूल्स का सही है तो वो क्या करते हैं? सॉरी देखें तो कंटेनर, सो रिपोर्टर बहुत अच्छे बन जाएंगे, साइंस नहीं पढ़ सकते इस तरह से, ठीक है? तो जर्नलिस्ट नहीं बने आप, पहले समझ लें मैं क्या बता रहा हूँ। देखें गैस के मॉलिक्यूल्स चाहे आप उन्हें वाइडर स्पेस में रखें या शॉर्टर स्पेस में रखें, क्या वो कभी स्टेशनरी हो सकते हैं? दे विल बी कंटिन्यूसली मूविंग, और मूव करते हुए वो वॉल्स ऑफ द कंटेनर को भी हिट करेंगे और उनकी ये जो कोलिजन्स है ना इससे गैस का प्रेशर बनता है। जब आप वॉल्यूम को हाफ कर देंगे तो जो नंबर ऑफ कोलिजन्स हैं उन पे क्या इफेक्ट, हाँ वो ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि जब वो वाइडर स्पेस में थे तो वो थोड़ी देर बाद जाके कोलाइड कर रहे होंगे ना, बिकॉज दे हैड लार्जर स्पेस टू ट्रेवल। अब आपने ट्रेवलिंग की स्पेस कम कर दी है तो नंबर ऑफ कोलिजन्स पहले के मुकाबले में डबल हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ कोलिजन्स के डबल होने से प्रेशर ऑफ द गैस वुड ऑल्सो डबल होगा, ठीक है? अगर फर्ज करें पहले 10 मॉलिक्यूल्स हिट कर रहे थे और आपने वॉल्यूम को हाफ कर दिया तो हाफ होने की वजह से अब वो 20 मॉलिक्यूल्स जाके हिट करेंगे, तो 10 मॉलिक्यूल से जो प्रेशर बन रहा था 20 से उसका डबल होगा। तो आपको सिंपली ये लिखना है कि व्हेन द वॉल्यूम हाफ्स द नंबर ऑफ कोलिजन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर डबल, एज अ रिजल्ट प्रेशर ऑल्सो डबल्स। आपने ट्रेन मिस कर दिए। When the volume halves, number of collisions of molecules with the walls of the container double.
when volume halves, the pressure doubles. And when the pressure doubles, volume halves. And when the volume halves, pressure doubles. The number of collisions of the molecules with the दोबारा बता सुन ले मैं दोबारा बता when the volume halves अर्ज किया है when the volume halves the number of collisions of the molecules with the walls of the container number of collisions of the molecules with the walls of the container doubles as a result the pressure also doubles okay next page chalte hain कोई बात नहीं ये तो मेरा फर्ज था okay. चलिए जी क्वेश्चन नंबर सिक्स आपका फेवरेट टॉपिक आ गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अ डेंटिस्ट मिनाहिल क्या हो गया आपको मैं देखा चुप नहीं हो रहे चुप हो जाए बस अ डेंटिस्ट यूजेस अ प्लेन मिरर टू सी द बैक ऑफ अ टूथ ठीक है फिगर देखें ये डेंटिस्ट ही आए हैं उसने हाथ में एक मिरर पकड़ा हुआ है और वो जाहिर है फोल्डेबल है फ्लेक्सिबल है उसने सामने से उसको टूथ तो नजर आ रहा है ना उसने बैक ऑफ द टूथ को देखना है तो वो इस तरह से प्लेस करेगा मिरर कि उसको बैक ऑफ द टूथ नजर आ जाए ये रिफ्लेक्शन होगा अ प्लेन मिरर प्रोड्यूसेस एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ये हमें पता है डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ दिस इमेज डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ द इमेज मिरर में आपको पोजीशन कहाँ नजर आएगी इमेज कहाँ नजर आएगी देखें वर्टिकली कभी भी ना इमेज इन्वर्ट नहीं होती लेटरली इन्वर्ट होती है यानी आपको इमेज के अंदर अपना राइट लेफ्ट नजर आता है अपना लेफ्ट राइट नजर आता है तो इसको कहते हैं कि लेटरली इन्वर्ट होती है पोजीशन नहीं ये तो है उसकी इमेज में क्या चेंज आ रहा है नहीं भाई पोजीशन का मतलब है उसका डिस्टेंस बताना है वो कहाँ है इमेज जो मिरर में आपको नजर आ रही है तो आप कहेंगे इट विल बी बिहाइंड द मिरर एट द सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट इट विल बी बिहाइंड द मिरर लिख लें इट विल बी बिहाइंड द मिरर एट द सेम डिस्टेंस at the same distance as the object from the mirror ab dekhiye ye to hamari ek normal observation hai na hum sheeshe ke samne jab khade hote hain to hum image ko na utna hi dur dekh rahe hote hain jitna hum mirror se dur hote hain agar hum is distance ko decrease karte hain to hamari image bhi paas aati hai aur agar hum dur jate hain तो वो जो इमेज बन रही है ना मिरर में वो भी दूर होती जाती है ऐसे ही होता है ना तो सेम आपने ये बात लिखनी है कि आपकी इमेज आपको मिरर में पीछे नजर आएगी और वो उतनी डिस्टेंस पे होगी जितना डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का shows the plane mirror used by the mirror can say that on figure 6.1 mark the position of the image x formed by the mirror is point ki jo position is point ki jo image form karega na mirror uski position aapko batani hai exactly lekin usme aapko ek baat dekhni hai dekhen फर्ज करें यहां से ना अब हमें इमेज कैसे नजर आती है जब लाइट उस ऑब्जेक्ट पे पड़ के रिफ्लेक्ट होती है तो लाइट जो है ना वो आएगी एक्स पे स्ट्राइक करेगी और एक्स से यहां से एक
रे ऑफ लाइट निकलेगी, ठीक है। अच्छा, अब ये जो रे ऑफ लाइट है ये मिरर से रिफ्लेक्ट होके कहां जाएगी, डेंटिस्ट की आई में, वो इसको ऑब्जर्व करेगा। अब उसको ये कहां नजर आ रहा होगा, नहीं मिरर में, उसको ये कैसे फील होगा, ये ऑब्जेक्ट तो मिरर के सामने प्लेस्ड है ना, लेकिन मिरर में कैसे नजर आएगा, मिरर के बिहाइंड नजर आएगा, ठीक है। तो आपको देखें यहां पर उसको ना ये इमेज नजर आएगी, देखें जिस डायरेक्शन में आपकी रे रिफ्लेक्ट होकर गई है ना, उसको ऐसा लगेगा कि वो इमेज बैक ऑफ द मिरर पे उतने ही डिस्टेंस पर है जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट था। तो वो जो रिफ्लेक्टेड रे का पाथ है ना, आपको उसी पाथ को पीछे कंटिन्यू करना है, और कितना कंटिन्यू करेंगे, जितना ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस था, यानी जितना ये डिस्टेंस था ना, इतना डिस्टेंस आप उसको कंटिन्यू करेंगे। अगर ये फॉर एग्जाम्पल 3 सेंटीमीटर है तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा, लेकिन ये उसी पाथ के अलोंग होगा जो रिफ्लेक्टेड रे ह्यूमन आई में जा रही है। नहीं देखें, मैं इसके यहां से बता रहा हूं, देखें अगर हम यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं ना, तो आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ, तो इससे आपकी रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन आपको पता चल जाएगी, उसी रिफ्लेक्टेड रे के पाथ को फर्दर एक्सटेंड करके आपको रेडियस पता चल जाएगी, लेकिन डिस्टेंस आपको सेम रहता है, ठीक है। मैं आपको इस तरह बता दूं, देखें फर्ज करें कि यहां पर एक मिरर है, ठीक है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, इसमें से एक रे ऑफ लाइट आती है, यहाँ पे स्ट्राइक करती है, ठीक है, मैं यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, तो वो इस तरह रिफ्लेक्ट कर देगी। अब देखें जो ऑब्जर्वर है ना, देखने वाला है, ठीक है, ह्यूमन आई है, उसको ये थोड़ी लगेगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, उसको ऐसे लगेगा कि ये जो रिफ्लेक्ट होकर रे आ रही है ना, ये इस तरह से आ रही है कि यहाँ पे मिरर के पीछे कोई इमेज है जो ऑब्जेक्ट प्लेस है, हाँ एग्जैक्टली, उसको सी थ्रू वाला की फीलिंग आएगी कि ऑब्जेक्ट असल में मिरर के कहीं पीछे रखा हुआ है और मैं उसको देख रहा हूँ, हालांकि ऑब्जेक्ट मिरर के सामने होता है, वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर उसकी आई में आती है, उसको सेंसेशन ऐसी मिलती है। इस तरह इसी तरह यहाँ पे भी होगा कि ऑब्जेक्ट असल में मिरर के सामने प्लेस्ड है, लाइट आके रिफ्लेक्ट करके ह्यूमन आई में जाएगी, ऑब्जर्वर को लगेगा कि मिरर के पीछे ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है और उतने ही सेम डिस्टेंस पे लगेगा उसको, ठीक है। अच्छा, आप जल्दी से इसे कंप्लीट करते हैं। इन्होंने कहा कि ड्रॉ अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम एक्स टू शो द डेंटिस्ट कैन, हाउ द डेंटिस्ट कैन सी द टूथ, वो मैंने आपके लिए पहले ही ड्रॉ कर दिया था। ये यानी ये जो पोजीशन आपने मार्क की है ना, इसका आपको एक मार्क मिलेगा, और ये पूरी रे डायग्राम जो मैंने बना दी है ना, इसके आपको दो मार्क्स मिलेंगे। ओके, लास्ट पार्ट, state one characteristic of the image formed by the plane mirror other than its position. तो आप लिखेंगे it will be laterally inverted. यानी left right बन जाएगा, जो right part होगा वो left पर आ जाएगा, left वाला right, ठीक है जी। चले आज यहीं तक।